हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्लाइमेट, क्लास 9 ज्योग्राफी। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, द इंडियन मानसून। तो क्या है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड। जो क्लाइमेट है इंडिया का वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, मानसून विंड से। तो जो सेलर्स है हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिकल टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिया ऑफ द मानसून। जो सेलर्स थे जो हमारे यहाँ सबसे पहले आए थे हिस्टोरिकल टाइम्स से, उन्होंने सबसे पहले क्या एनालिसिस किया, उन्होंने मानसून का फिनोमिना देखा। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाई सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ द विंड्स। बहुत तेज़ हवाओं के चलते वो हमारे बाय हम कह सकते हैं शिपिंग शिप के द्वारा जब वो सेलिंग करने के दौरान आए थे तो उन्होंने पूरा विंड सिस्टम देखा किस तरीके का था। तो अरब्स हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून। सबसे पहले जो अरब्स थे वो आए थे इंडिया के अंदर एज अ ट्रेडर के रूप में, व्यापार करने के रूप में, और उन्होंने जो सीजनल रिवर्सल देखा इंडिया के अंदर वो था विंड सिस्टम, जिसको क्या कहा गया है, मानसून बोला गया है। द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 degrees नॉर्थ एंड 20 degrees साउथ। अब जो मानसून्स हैं वो कैसे एक्सपीरियंस रफली कौन से बिटवीन रहते हैं, एक तो 20 degrees नॉर्थ और 20 degrees साउथ। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। अगर हमें मैकेनिज्म समझना है मानसून का तो हमें ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। मतलब दोनों चीज़ क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर। हमें डिफरेंस देखने को मिलता है हीटिंग और कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर के अंदर, और ये क्या क्रिएट करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है लैंड मास के अंदर, और सी के अंदर क्या एक्सपीरियंस करते हैं हम, हाई प्रेशर। सेकेंड रीज़न है शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। शिफ्ट देखने को मिलता है हमें इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का इन समर ओवर द गंगा प्लेन। दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रग नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 degrees नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्रग ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, शिफ्ट देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, मतलब ITCZ। ये समर के अंदर हमें शिफ्ट देखने को मिलता है जिसमें हमारे गंगा प्लेन रीजन भी आ जाता है, और नॉर्मली इसकी पोजिशन क्या रहती है, 5 degrees नॉर्थ रहती है, और इसी को बोला जाता है मानसून ट्रग ड्यूरिंग मानसून सीजन। नेक्स्ट फैक्टर है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मद्रासर अप्रॉक्सीमेटली एट 20 degrees साउथ ओवर द इंडियन ओशियन। इसके बाद क्या देखने को मिलता है, हाई प्रेशर एरिया देखने को मिलता है ईस्ट ऑफ मद्रासर में, एंड द इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। और ये जो हाई प्रेशर एरिया देखने को मिलता है ये टोटली किसको अफेक्ट डालता है, इंडियन मानसून पर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट फैक्ट हमें क्या है, मैकेनिज्म देखने को मिलता है मानसून का, द टिबेटन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड। जो टिबेटन प्लेटू का एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म नज़र आता है हमें ड्यूरिंग समर, जिसका रिजल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेटू एट अबाउट 9 kilometers अबव सी लेवल। हमें उसका रिजल्ट ये देखने को मिलता है, एक तो एयर करंट्स जो होते हैं वो वर्टिकली फ्लो करने लग जाते हैं, और प्रेशर जो होता है फॉर्मेशन का वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है ओवर द प्लेट्यू एरिया, मतलब कम से कम सी लेवल जो है वो 9 kilometers अबव पहुंच जाता है। तो नेक्स्ट फैक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 kilometers अबव सी लेवल। और जो प्रेशर होता है, ये जो फॉर्म होता है लो प्रेशर, ये प्लेट्यू के मतलब सी लेवल से 9 kilometers अबव चला जाता है। नेक्स्ट द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द प्रेशर एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। अब इसके बाद हमें मूवमेंट देखने को मिलता है जेट स्ट्रीम का नॉर्थ की तरफ से, हिमालयस की तरफ से, और प्रेजेंस कहाँ पर फील होता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट प्लेन्स की तरफ से ओवर द इंडियन पेनिनसुला, ये समर सीजन में देखने को मिलता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशियंस ऑल्सो अफेक्ट द मानसून। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रेशर कंडीशंस में चेंजेस देखने को मिलते हैं, सदर्न ओशियंस भी अफेक्ट होते हैं, ऑल्सो कॉज अफेक्ट द मानसून को भी इफेक्ट करते हैं। एंड नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। और यहाँ पर दो बातें कही गई है, जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ के अंदर पैसिफिक ओशियन के अंदर जब हाई प्रेशर होता है तो वहीं ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन जो है वो लो प्रेशर
एक्सपीरियंस करता है. बट इन सर्टन ईयर्स देर इज़ अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लो प्रेशर. बट हमने बहुत ज़्यादा रिवर्सल चेंज भी देखा है इसके अंदर. प्रेशर कंडीशन में अगर कुछ चेंज आ गया है, बहुत सी बार ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर लो प्रेशर देखने को मिलता है इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न इंडियन ओशियन. तो दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज सदर्न ऑसिलेशन और एसओ. और ये जो हमें पीरियोडिक चेंज देखने को मिलता है प्रेशर कंडीशन का, इसको हम क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं और एसओ भी कहते हैं. तो डिफरेंसेस इन प्रेशर ओवर तहिती पैसिफिक ओशन 18 डिग्री साउथ एंड 149 डिग्री वेस्ट. तो एंड डार्विन इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन 12 डिग्री 30 साउथ 131 डिग्री ईस्ट इज कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून. इसमें दोनों फिगर्स बता रखे हैं कि कितना कंप्यूट रेशियो देखने को मिलता है. इफ़ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव, अगर प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव होता है तो इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून. तो ये एवरेज और लेट मानसून को दर्शाता है. अ फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज द ई आई नीनो फिनोमिना इन विच अ वार्म ओशन करंट दैट फ्लोज पास्ट द पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट एवरी 2 to 5 ईयर. और उसके बाद हमें एक फीचर कनेक्टेड जो एसओ मतलब सदर्न ऑसिलेशन से कनेक्ट होता है उसको हम एल नीनो फिनोमिना बोलते हैं, जिसमें वार्म ओशन करंट फ्लो करता है बहुत तेज स्पीड से पेरुवियन कोस्ट की तरफ. और इसके बाद ये कोल्ड पेरुवियन करंट जो है ये हर 2 to 5 years में वापस से रोटेट किया जाता है, रोटेट होता है. तो द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू द ई आई नीनो. और ये जितने भी प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलती है ये सब किससे कनेक्टेड है, ई आई नीनो से कनेक्टेड है. हैंस द फिनोमिना इज रेफर्ड एज, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ई एन एस ओ मतलब ई नीनो सदर्न ऑसिलेशंस कहते हैं. सो स्टूडेंट्स ये जो ई एल नीनो है इसका क्या मतलब होता है, दिस इज अ नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड प्रेवेलिंग करंट. ये एक नेम दिया गया है पीरियोडिक डेवलपमेंट के अंदर, इंट्रोड्यूस किया गया है ये नेम, जिसमें वार्म ओशन करंट्स को बताया गया है कि किस तरीके से वो टेम्पररी वन को रिप्लेस करते हैं. तो ई एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है द चाइल्ड एंड रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट एज दिस करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस. ये जो करंट है ये कब फ्लो होना स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग क्रिसमस. क्रिसमस कब आता है, दिसंबर के टाइम. तो जो प्रेजेंस फील होता है ई एल नीनो का वो इंक्रीज होता है, मतलब सी सरफेस में जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है. और उसी के कारण क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स है रीजन के अंदर ठंड आने लग जाती है. सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ. थैंक यू.